तो सोशल मीडिया में हर जगह ट्रेंड कर रहा है कि नॉर्दर्न इसराइल के ऊपर अटैक हो चुका है। बहुत सारे वीडियोस वायरल हो गए हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि बहुत से रॉकेट्स इसराइल की तरफ फायर किए गए हैं। इनमें से काफी सारे रॉकेट्स को इसराइल के आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन ऑब्वियसली सारे रॉकेट्स को तो रोका नहीं जा सकता है, तो बहुत सारे खुले मैदानों में भी गिर गए। इस अटैक को क्लेम किया है लेबनन के मिलिशिया हेजबोला ने। हेजबोला का कहना था कि इसराइल ने रिसेंटली सदर्न लेबनन में अटैक किया था, सिविलियंस के ऊपर अटैक किया था, और इस अटैक को उसका रिटेलिएशन समझा जाना चाहिए। हेजबोला हम जानते हैं कि हमास का एलाय है और इसराइल का कट्टर दुश्मन है। दोनों हेजबोला और हमास ईरान के प्रॉक्सी हैं। सदर्न लेबनन में हेजबोला का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। फ्राइडे को वहीं से कई सारे मिसाइल्स नॉर्दर्न इसराइल में फायर किए गए, कई ओपन एरियाज में भी गिर गए थे और कुछ लेबनीज टेरिटरी में भी गिर गए थे। अभी तक कोई कैजुअल्टीज रिपोर्ट नहीं की गई हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने देखा था कि इसराइल ने ईरान के सीरिया में सिचुएटेड कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक कर दिया था, और इसमें ईरान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर था, सीनियर ऑफिसर था IRGC का, वो मारा गया था। इसके बाद ईरान काफ़ी गुस्सा हो गया था और उसने कहा था कि वो इसराइल से ज़रूर बदला लेगा। और ये देखते हुए कि ईरान के पास कैपेबिलिटी है इसराइल को अटैक करने के लिए, बहुत सारे ड्रोन्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, US ने इसराइल को वार्न किया था कि ईरान के अटैक के प्रति अलर्ट रहें। हालांकि इसराइल पहले से ही अलर्ट है, फौजियों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है, इसराइल अपनी रिजर्व फोर्सेस को बुला रहा है, एयर डिफेंसेस को और मजबूत कर रहा है, और ऑब्वियसली हमने देखा कि ये यूज़फुल भी साबित हो रहा है। अभी बहुत सारे रॉकेट्स जो फायर हुए थे उसे डिफ्लेक्ट किया था आयरन डोम ने। हेजबोला ने तो कहा है कि उसका गोल ही है कि इसराइल के आयरन डोम को डिप्लीट कर दें। US ने कहा है कि वो इसराइल की मदद करेगा अगेंस्ट ईरान। US ने ईरान को वार्न भी किया है कि इसराइल के ऊपर अटैक ना करे। US ने अपने नेवी के डिस्ट्रॉयर्स ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी के पास भी भेज दिए हैं इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, और रीजन में जो US की फोर्सेज हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है ईरान के ऊपर कि वो रिटेलिएट ना करे। थोड़ा प्रेशर इसराइल के ऊपर भी बनाना चाहिए था कि वो प्रोवोक ही ना करे इन द फर्स्ट प्लेस, तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो देखिए, अभी जो नॉर्दर्न इसराइल के ऊपर अटैक हुआ है वो डायरेक्टली ईरान की सॉइल से नहीं आया है, वो हेजबोला ने किया था, ईरान के प्रॉक्सी ने किया था। तो यदि ईरान डिसाइड करता है कि वो अपनी सॉइल से डायरेक्टली अटैक करेगा बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल को, उस केस में हम एक ऑल आउट रीजनल वॉर देखेंगे। ऑफ कोर्स रीजन में बहुत ज़्यादा टेंशंस बढ़ चुकी हैं। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भारतीयों को एडवाइस किया है कि वो ईरान और इसराइल विजिट ना करें। अभी बहुत सारी एयरलाइंस हैं, जैसे जर्मनी की एयरलाइन है लुफ्थांसा, जो ईरानियन एयर स्पेस यूज़ करना बंद कर चुके हैं। जो भारतीय इस समय ईरान में और इसराइल में हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि इंडियन एम्बेसी के टच में आ जाएं, अपने मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर लें, कम से कम बाहर निकलें, काफ़ी केयरफुली मूव करें और प्रिकॉशन लें पूरे। इस समय एस्टिमेट्स हैं कि ईरान में लगभग 4,000 भारतीय हैं और इसराइल में लगभग 20,000 के आसपास भारतीय हैं। इन केस टेंशंस बढ़ती हैं, रीजन में एक और वॉर शुरू हो जाता है, तो भारत सरकार प्रिपेयर कर रही है कि किस तरीके से भारतीयों को वहां से इवैक्यूएट किया जाएगा, वो नौबत भी आ सकती है। इसराइल हमास वॉर को चलते हुए 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, एक नया वॉर शुरू होता है तो पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशंस हो जाएंगी। ईरान और इसराइल के अलावा लेबनन, सीरिया जैसे देश भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये सिर्फ रीजन को इफेक्ट नहीं करेगा, ये भारत जैसे देशों को भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि वॉर होगा तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो मिडिल ईस्ट से इंडिया का बहुत सारा ऑयल आता है, एनर्जी शॉर्टेज के इकोनॉमिक फॉलआउट्स होंगे डेफिनेटली। इस समय पर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ईरान की नेक्स्ट मूव की प्रतीक्षा कर रही है कि ईरान प्रॉक्सीज के माध्यम से ही इस तरीके से इसराइल को जवाब देगा या फिर डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। तो हम लोग होप करते हैं कि बेटर सेंस प्रिवेल करे और एक और नया वॉर शुरू ना हो।